हेलो एवरीबन चलिए हेलो एवरीवन आपको मेरी ऑडियो आ रहा है क्या आवाज मेरी सभी को आ रही है क्या एक बार बता दीजिए चलिए हेलो एवरीवन वेलकम ऑन यूट्यूब यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है वेलकम नमस्कार सुस्वागतम आदाब सत्याकाल सभी को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए आज हम लोग जो है रूबरू हो रहे हैं है ना दैट इज हिस्ट्री है ना इतिहास के बहुत दिनों बाद आज क्लास हो रही है इतिहास के हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो है हम लोग करने वाले हैं अब भाई अब तो तैयारी का माहौल है ना फेस्टिवल पढ़ाई महोत्सव जो है वो शुरू हो चुका है क्योंकि सभी को अच्छे से पता होगा एम बी पी का नोटिफिकेशन आ चुका है पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है है ना अब जो है पढ़ाई करने का जज्बा ही अलग रहेगा जुनून ही अलग रहेगा है ना पैशन ही जो है अलग तरीके से निकल निकल के आएगा सभी लोगों का ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है अब हमने भी सोचा क्यों ना इस उत्सव में हमारी भी कुछ भागीदारी रहे तो इसके लिए ही हम लेके आए हैं क्या एक मैराथन सेशन है ना बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है प्रेलिम्स का नोटिफिकेशन आया तो मैंने बोला सबसे पहले एक बार बच्चों से रूबरू हो लेते हैं कि तैयारी किस लेवल पर चल रही है हम किस लेवल पर अभी स्टैंड कर रहे हैं इसका थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं तो आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस पर इंडियन हिस्ट्री पर भारतीय इतिहास पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूं चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की मैं बात कर लूं यूपीएससी की बात कर लूं आर एस की बात कर लू यूपीपी एस सी की बात कर लू बिहार पी सी एस की बात कर लू सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा क्वेश्चन इधर उधर मिंगल होते रहते हैं यहां से उठेगा वहां जाएगा वहां से उठेगा यहाँ पूछ लिया जाएगा तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ अब सर कितने क्वेश्चन है क्या है तो मैं पहले ही बता दू इतने क्वेश्चन है कि आपको मजा आ जाएगा है ना आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है है ना आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं ये बेसिकली एनशियट और मिडाइवल पर अभी तक जितने पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश करी है अब ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मैं अन अकेडमी के प्लस पर एंशियंट हिस्ट्री मिडाइवल हिस्ट्री अभी कवर करा चुका हूं है ना तो वहीं तक के क्वेश्चन मैंने लाने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को एक अंदाजा लग जाए कि आप लोगों को कहां तक पढ़ा है जो लोग अन अकेडमी के प्लस पर नहीं है आपको ये एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि एंशियंट और मिडाइवल में आपको कितना आता है अब टू बी वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन मैंने इजी रखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी है मैंने एक मॉडरेट जैसा एम पूछती है उसी तरह के क्वेश्चन रखे हैं मे भी कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि आपने उतनी तैयारी नहीं करी है और मे भी कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है है ना तो जो भी हो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे बड़ी बात उसे समझना है एंड देन फिर उसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में सेकेंडली जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो मैं सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं ऐसा नहीं कि इसका आंसर ए है बी है सी है डी है ये अप्रोच ही गलत है अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चंस लगाते हैं कि आंसर ए बी सी डी होता है तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच आपको जब तक उसका एक्सप्लेनेशन उसका सही आंसर नहीं पता तो वो सेंसलेस है तो मैं आपको एक 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 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं

वॉफ द कंटेम्प्ररी ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य पुष्यमित्र शुंग बिंबिसार या अशोक है ना पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको मजा लाते आंसर दिस थ्योरी कौन सी थ्योरी चलिए हाँ भाई रुझान आना शुरू हो गए हैं चलिए ऑलमोस्ट 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 सभी का आंसर सही है है ना बिल्कुल सही पहला क्वेश्चन बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन पूछा गया था सिकंदर महान के समकालीन कौन राजा था है ना वो वॉक कंटेम्प्री टू अलेक्जेंडर द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य हमें पता है धनानंद के दरवाजे पर जो है चाणक्य पहुंचते हैं और चाणक्य कहते हैं कि भाई अलेक्जेंडर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अम्बी को हरा दिया है अंबी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और वो तक्षशिला से आगे बढ़ रहा है किस साइड पर बढ़ रहा है तो तुम्हारे साइड पर बढ़ रहा है और यहीं पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी टाइम पर संकल्प लेते हैं चाणक्य की मैं ध्वस्त कर दूंगा किसे ध्वस्त कर दूंगा धनानंद के पूरे एम्पायर को और फिर चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात होती है उसे राजा बनाया जाता है उसे ट्रेनिंग दी जाती है एंड देन फिर युद्ध होता है और उसी युद्ध में तीन सौ तेवीस बीस में चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा देते हैं ये कहानी हमने सभी ने अच्छे से सुनी हुई है तो अगर यहाँ पर धनानंद ऑप्शन होता तो बात अलग थी है ना पर यहाँ पर सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य जी हाँ बिल्कुल समकालीन था किसके एलेक्जेंडर दी ग्रेट के यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मॉरियन एम्पायर सेट किया उन्होंने है ना और ये एविडेंस बताता है कि भाई वो थे एंड सो ऑन चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं अगला लड्डू क्वेश्चन है इंडस वैली सभी तरह के क्वेश्चन है मजा आएगा आप सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने क्षेत्र में स्थित थी इसका एरिया कितना था इसका क्षेत्रफल कितने किलोमीटर का था वो आपको बताना है सिंपल सा क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड इन अप्रोक्सीमेटली डैश एरिया पांच लाख वर्ग किलोमीटर आठ लाख ,00 वर्ग किलोमीटर 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 18 लाख वर्ग किलोमीटर धनानंद इंसल्ट करी थी चाणक्य किसने हाँ सही बात है चलिए बिल्कुल क्या बात क्या बात है अरे भाई ऐसी धुआंधार तैयारी हैं 102 पोस्ट तो यहीं पर 102 पोस्ट तो आप लोग ही ले लोगे हैं बहुत बढ़िया सिंधु घाटी सभ्यता में कितना एरिया था तो बिल्कुल सही तेरह लाख वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया हुआ करता था लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया हुआ करता था और ये ये कैसी थी तो ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर आकार में थी त्रिकोणी आकार में आपको देखने को मिलती है ना इधर एक साइड कश्मीर एक साइड यूपी फिर एक साइड पर महाराष्ट्र और इधर बलूचिस्तान वाला एरिया इस टाइप से आपको देखने को मिलती है क्या सिंधु घाटी सभ्यता जो है देखने को मिलती है चलिए हाँ भाई मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स देखिए कार शेप जो है वो आपको देखने को मिलता है तेरह लाख स्क्वायर किलोमीटर ये सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना जो आपको नहीं पता है उनको प्लीज प्लीज लिख लेना है ना चलिए अब अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कौन सा समकालीन इतिहासकार रजिया सुल्तान की एक अच्छे प्रशासक के रूप में प्रशंसा करता है आ हा हा विच कंटेम्प्री हिस्टोरियन प्रेजेस रजिया सुल्तान फॉर बींग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर इब्न बतूता मिनहाज उस सिराज जियाउद्दीन बरानी या फकरुद्दीन इसामी आ अब आया ना जोर का झटका हाँ ये तूफान के पहले की खामोशी थी हा जी क्या हुआ इरादे पस्त होने लग गए एकता में फूट डल रही है कहीं ए कहीं बी कहीं सी बिल्कुल सही बिल्कुल सही जिसका भी आंसर बी है बिल्कुल सही है मिनहाज उज सिराज है ना मिनहाज सिराज वो व्यक्ति थे वो इतिहासकार थे जिन्होंने रजिया सुल्तान को एक अच्छे प्रशासक के रूप में प्रशंसा करी थी ये वही रजिया सुल्तान है जो पुरुषों के कपड़े पहनकर जो है आ जाती थी एक सशक्त लेडी है ना पहली मुस्लिम लेडी और ओनली लेडी जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया नाम क्या था रजिया सुल्तान ठीक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है महिला सशक्तिकरण का एक गजब का एग्जाम्पल है और हिस्टोरियन सिराज ने इसी बात को जिक्र किया है कि बहुत एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी कौन रजिया सुल्तान अच्छा रजिया सुल्तान के पप्पा जान का नाम बता दो रजिया सुल्तान के पापा का नाम बता दीजिए चलो 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 अरे वाह मतलब बड़ा है ईमानदारी से मेहनत करी है चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड राजा सुल्तान के पिताजी कौन थे इल्तुतमिश थे और इल्तुतमिश ने अपने मरने से पहले क्या कहा था तो अपने मरने से पहले इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे बेटे ना होते हुए मेरी बेटी होगी है ना जिसका नाम था रजिया और ऐसा क्यों कहा था इल्तुतमिश ने तो इल्तुतमिश के द्वारा यह इस वजह से कहा गया था कि एक बार इलतुतमिश बुरी तरीके से फंस गया था और युद्ध हारने वाली स्थिति में था लेकिन इसकी बेटी की समझदारी की वजह से है ना डिप्लोमेसी की वजह से यह युद्ध जीत जाता है इतना प्रसन्न हो जाता है अपनी बेटी से कि इसके नाम का खुतबा पढ़वा देता है वो अपने साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत में इसके नाम का खुतबा पढ़वा देता है और तभी डिसाइड कर लेता है कि अगली उत्तराधिकारी मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा तो रजिया सुल्तान जो है वो बनेगी लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि इलतुतमिश के बाद अगला राजा कौन बना अगला सुल्तान कौन बना बता सकते हो रजिया सुल्तान तो नहीं बनी थी रज़िया सुल्तान तो बाद में आई थी। एक कॉन्स्परेसी हो गई थी जो कुलीन वर्ग थे जो कोर्ट अधिकारी थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने रजिया सुल्तान को बनने ही नहीं दिया था फिर लाल कुर्ती सेना आई थी और लाल कुर्ती सेना की वजह से बनी थी अरे वाह <coughs> चलिए बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब है ना आराम शाह अब देखिए अब इसमें अपने को और क्या चीज समझने की है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है जैसे हमने एक नाम आपसे पूछा मिनहहाद उद सिराज का कि भाई इसने इन्हें क्या कहा है इन्हें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बताया है कि अच्छे तरीके से ये रूल कर सकती है लेकिन आपको याद क्या रखना है एक और चीज इनकी किताब कौन सी किताब है तबाकत ई नासिरी किसके द्वारा लिखी गई उस सिराज के द्वारा यह किताब लिखी गई और इन्होंने क्या कहा एक साहसी शासक थी है ना और अपने भाइयों के साथ बहुत शक्तिशाली तरीके से जो है इन्होंने राज किया अब भाइयों के विरुद्ध है ना इनके भाइयों के कहानी आपको पता होगी एक दूसरे को मारते रहे एक दूसरे को मारते रहे यही कहानी चलती रही इलतुत के बाद में चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कहीं और ले चलेगा हमें अशोक की तरफ निम्नलिखित में से किस शिला में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा करी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोक का डिक्लेयर सम कंसेशन इन टैक्सेस बताओ भाई कौन सा होगा इसका ऑप्शन बताओ, बताओ 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 इसका क्या ऑप्शन होगा अब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आएंगे ना सब तरह के क्वेश्चन क्योंकि मैंने रखे हैं तो ऐसी उम्मीद मत करना कि सिर्फ लड्डू लड्डू ही दूंगा चलिए ऑप्शन क्या आ रहा है टी सी सी ए बी लुम्बिनी 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 स्तंभ एडिक्ट आ गया भैया आंसर वाह यार मतलब तैयारी तो करी है ये तो मानना पड़ेगा आप लोग तो। चलिए आंसर बिल्कुल सही लुम्बिनी है ना लुम्बिनी कौन सी जगह है लुम्बिनी ये जगह जो है ये कहां पर आती है ये जगह आती है सर नेपाल में कहां पर ये जगह आती है नेपाल में जगह आती है और जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इसीलिए जब अशोक जाता है ना जब अशोक मिलने जाता है जब अशोक लुम्बिनी जाता है तो वहां पर एक स्तंभ अभिलेख जो है वो खड़ा करवा देता है और यहां पर रियायतें देता है ना के बराबर कर देता है लुम्बिनी वालों के लिए कर और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था यूपीएससी प्रिल्स में पूछा था अब आप सोच लो आपका लेवल क्या हो गया है आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है सर लुम्बिनी अभिलेख के बारे में है ना तो अशोक लुम्बिनी गया और उसने वहां बुद्धा को वर्शिप किया है ना जो साक कुल को बिलोंग करते थे वहां पर इसने एक पिलर लगाया और गांव वालों को टैक्स में राहत दी है ना और उन्हें क्या कहा कि जितना प्रोड्यूस आप कर रहे हैं उसका सिर्फ मुझे कितना दे दीजिए एक बटा आठ भाग मतलब साढ़े बारह प्रतिशत जो है वो दे दीजिए ऐसा क्यों क्योंकि गौतम बुद्ध का यहाँ पर जन्म हुआ है ठीक है अब फिर दूसरे रॉक एडिक्ट के बारे में है कि भाई कौन सा रॉक एडिक्ट है और क्या है भबरू इंस्क्रिप्शन के बारे में है तो यह कहानी आपको आगे अगले क्वेश्चन में जो है वो मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन ये बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें मजा आएगा आपको क्वेश्चन है दोस्तों नेपाल में बौद्ध धर्म डैश के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था बुद्धिज्म इन नेपाल बोध इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश समुद्रगुप्त अशोक चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन लगाओ लगाओ भाई आंसर लगाइए आंसर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाट के लाओ सब तरीके के चलिए ऑप्शन क्या लगा रहे हो अशोक और बी हाँ अशोक और बी बिल्कुल सही देखिए नेपाल की बात हो श्रीलंका की बात हो कहीं की भी बात कर लीजिए आंसर क्या आएगा आंसर आएगा अशोक है ना अब अशोक कैसे आएगा आपको याद होगा किस राजा हुआ करता था इसी का छोटा भाई श्रीलंका का राजा हुआ करता था महेंद्र और संगमित्रा को अपने खुद ही बच्चों को किसके द्वारा भेजा गया था अशोक के द्वारा भेजा गया था है ना अब नेपाल में जब बौद्ध महासंगति हो गई थी तो बौद्ध महासंगति के बाद में इसने क्या किया था कुछ लोगों को नेपाल भेजा था किस चीज के लिए भेजा था तो भाई वहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था अशोक का ऐसा मानना था कि जितना ज्यादा धम्म का प्रचार होगा जितना ज्यादा बुद्धिज्म का प्रचार होगा उतना ही पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा इसीलिए श्रीलंका है नेपाल है सभी जगह इसी के द्वारा जो है भेजा गया pillar at Lumini, ये कर चुके, दूसरी शताब्दी में अब तीसरी बौद्ध महासंगति कौन सी तीसरी बौद्ध महासंगति के बाद अशोक ने अपने मिशनरीज को है ना अपने लोगों को कहा भेजा नेपाल भेजा और नेपाल किस चीज के लिए भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा इसने एक पट्टन नामक जगह पर एक अभिलेख भी लगवाया था है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अशोक के अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और चार स्तूप का निर्माण करवाया ऐसा बताया जाता हजारों की तादाद में स्तूप का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा और पुष्यमित्र के द्वारा चौरासी हजार स्तूप तोड़े गए थे है ना तो दोनों ही चीजों का ध्यान रखना पुष्यमित्र शुंग उसकी राजधानी विदिशा थी और अशोक का आ, ससुराल उज्जैन था इसीलिए अशोक और पुष्यमित्र शुंग के क्वेश्चन या शुंग वंश के और मौर्य वंश के क्वेश्चन आपको एम व्यापम में इन सारी एग्जाम्स में ज्यादा मिलते हैं तो यह चीज भी डी करना सीखिए कि कौन से हमें ज्यादा पढ़ना है किसको हमें डीप में पढ़ना अच्छे से पढ़ना है चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आहा हा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी साइट कौन सी है विच इज द सेकेंड बिगेस्ट साइट ऑफ आईबीसी इन इंडिया राखी गढ़ी हड़प्पा मोहनजोदड़ो या धोलावीरा अब कंफ्यूजन शुरू होगा कंफ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन जी चलिए कॉपी खोल के बैठे हो क्या चलिए किसी का आंसर आ रहा है ए किसी का आंसर आ रहा है डी किसी का आंसर आ रहा है सी चलो बहुत ही बढ़िया आंसर क्या है देखिए भारत की सबसे बड़ी साइट कौन सी है तो फर्स्ट नंबर पर आती है और दूसरे नंबर पर, तो पर आती है तो सेकंड नंबर पर आती है धोलावीरा धोलावीरा आपको कहां देखने को मिलेगी कच्छ वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी धोलावीरा की खोज किसके द्वारा करी गई थी तो धोलावीरा की खोज करता थे आर एस बिस्ट ठीक है ये पूरा चार्ट मैंने आपको बनवाया था कि जितने भी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के कि ये किस प्रदेश में आते है, किस नदी के किनारे हैं और, तो और, है, और किस वर्ष ये खोजी गई है, है उनके पास तो सब कुछ है, जिनके पास नहीं है तो भाई बना लीजिएगा या फिर के प्लस पर आ जाइएगा सब कुछ बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ाया है अब नेक्स्ट बात करते हैं ना ये धोलावीरा आर एस खोज में आपको देखने को मिलेगा अब अगला हा 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 क्या क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स रिटर्न ऑफ द आर्यन पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई रोट अ बुक रिटर्न ऑफ द आर्य भगवान एस गिडवानी एल डी कल्ला अश्विन चंद्र दास या डी एस त्रिवेदी बताओ 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 किसके द्वारा नहीं पता अरे ऑप्शन तो लगाना पड़ेगा ए सी ठीक है चलिए ऑलमोस्ट सभी लोगों का आंसर सही है आंसर क्या है भगवान एस गिद्वानी है ना भगवान एस गिद्वानी अमेज़न पर जाइएगा तब भी आपको यह बुक मिल जाएगी सर्च करिएगा रिटर्न ऑफ द आर्यंस ये बुक मिल जाएगी, जाएगी। पीसीएस -पी का क्वेश्चन है बड़ी ही गजब की किताब जैसे आपने पढ़ी होगी ना वो शंकर भगवान पर किताब आई हुई है है ना शिवा ट्रायोलॉजी बस वैसी ही कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में घुमा फिरा के कहानी किसने लिखी भगवान एस गिदवानी के द्वारा लिखी गई है बहुत ही अच्छी बेस्ट सेलर में ये किताब रही है इसीलिए शायद ये क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया था तो कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन अब वही सारी कहानी है जो मैंने आपको बताई है अगला क्वेश्चन है आ हाँ ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है एक अभिलेख में वर्णित अशोक के पुत्र कौन थे हु द सन ऑफ अशोक मैं इंस्क्रिप्शन अभिलेख में अपने बेटे का जिक्र किया है तो वो बेटा कौन सा होगा महेंद्र कुणाल तिवारी नहीं है ये तिवारा है है ना वही मैं सोचू ये कैसा नाम आया है ना ये तिवारी नहीं तिवारा है और अगला है जलोका अशोक ने अपने कौन से बेटे के बारे में जिक्र किया है चलो भाई बी ए क्या है बी कुणाल ए है महेंद्र हाँ भाई कैसी रही चलो एक है डी डी क्या है भाई जलोका चलिए एक ही आंसर सही आया है अभी तक आंसर क्या है आंसर है तिवारा सिर्फ आरती जी का आंसर सही आया है बाकी सब का आंसर गलत है है ना अशोक का वह पुत्र जिसका अभिलेख में वर्णन किया गया है वो कौन है वो है तिवारा ठीक है अब इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि भाई अशोक का पूरा परिवार तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक के पूरे परिवार के बारे में जानकारी दी है है ना उज्जैन की जो एक राजकुमारी थी है ना महादेवी उनके बारे में हम जानते हैं उन्हें ही वेदिशा भी कहा जाता था उनकी दो अन्य पत्नियां थी एक थी कारुवाकी जो कलिंग युद्ध वाली थी और एक थी असंधि मित्र ठीक है और शिलालेख में जो एक पुत्र का जिक्र किया गया है वो कौन है वो है तिवर और तिवर किसका पुत्र है तो कारुवाकी का लड़का है ना कारुवाकी वही कलिंग के जो राजकुमारी थी वो थी कारुवाकी तो याद रखिएगा ये मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले भी बताया है इसके बारे में है ना कारुवाकी के पुत्र का जिक्र किसमें किया गया है तो उसका जिक्र एक अभिलेख में किया गया है और जो लोग महेंद्र लगा रहे थे है ना महेंद्र और संगमित्रा जो है वो महादेवी की पुत्री या वैदि के बच्चे थे और उनको श्रीलंका भेजा गया था है ना टिस्स के पास में तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ और इसी को इसका जो एडिक्ट है ना इसी को क्वींस एडिक्ट कहा जाता है है हाँ। ना ये भी याद रखना क्वींस एडिक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्वीन सेडिक्ट में किसके बारे में जानकारी मिलती है है ना तो रानी के अभिलेख रानी का अभिलेख किसका कारुवाकी का अभिलेख उसमें किसकी जानकारी मिली उसके बेटे की जानकारी मिली और अशोक की जानकारी मिली है ना तो वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट चलो गलत करा है आपने है ना चलिए अगला क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन है यार ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है बनना चाहिए सभी से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारतीय साम्राज्य से प्राप्त किया था द फेमस कोहिनूर डायमंड डायमंड्रोप्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी फ्रॉम विच साउथ इंडियन किंगडम देवगिरी वारंगल द्वार समुद्रम या मदुरई इनमें से कौन सी जगह से जो है प्राप्त किया था चलिए शिवाश जी कह रहे हैं देवगिरी कुछ कह रहे हैं बी 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 कुछ कह रहे हैं पूजा जी कह करिए सी बी क्या है वारंगल है सी है द्वार समुद्रम क्या बात है क्या बात है बेहतरीन चलिए जिनका जो भी आंसर है वारंगल जो है वो सही जगह है कौन सी जगह वारंगल से प्राप्त किया था अब कोई बता सकता है इसके राजा का वो ले लिया था ये कोहिनूर हीरा जो है वो किस खदान से मिला था ये और बता दो बिलोंग हाँ, करता था प्रताप सिंह प्रताप रुद्र सिंह जिसको हराया था और ये किस खदान से मिला था कोहिनूर हीरा कौन सी वो खदान थी बिल्कुल सही गोलकोंडा की वो खदान थी जिससे कि ये हीरा जो है कोहिनूर जो है वो मिला था किसको वो मिला था मलिक काफुर को मलिक काफुर को ही हजार दिनारी कहा जाता है अब बस मुझे ये बता सकते हो ये कोहिनूर हीरा कितने कैरेट का है बस इतना और बता दीजिए कोहिनूर हीरा कितने कैरेट का है मजा आ जाएगा ये भी पढ़ाया है मैंने आपको कोहिनूर हीरा कितने कैरेट का है कभी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में अभी कोहिनूर हीरा पर बात चल रही है कि भाई ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो भारतीय है हमारा कोहिनूर हीरा वापस करो बिल्कुल सही तो जिनको नहीं पता है लिख लीजिएगा कितने कैरेट का है 180 कैरेट का है कोहिनूर हीरा कितने का है 180 कैरेट का है कोहिनूर हीरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो किसे मिला मलिक काफूर को मलिक काफूर ने किसे दे दिया अलाउद्दीन खिलजी को चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तेरह में कोहिनूर हीरा ले लिया गया था वारंगल से है ना प्रताप रुद्र देव से काकते वंश के राजा ये हुआ करते थे चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं समय करते हुए बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है पर पूछा जाता है क्वेश्चन क्या है दोस्तों ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है है ना ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है सिंधु नदी सरस्वती नदी काबुल नदी या ताप्ती नदी विच रिवर है सिंधु सरस्वती काबुल या सरस्वती नहीं ताप्ती कोई नूर तो ऋतिक ले गया तापती महालडू क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सभी से बनना चाहिए जी हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही देखिए हमने पढ़ा है ऋग्वेद के बारे में ऋग्वेद में उस एरिया को आर कहा जाता था सप्त सेंदव वाला क्षेत्र वो हुआ करता था सात नदियां वहां करती थी और सिंधु नदी की ही सहायक नदी हुआ करती थी अब ये जो ताप्ती नदी है इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सतपुड़ा के नीचे साइड पर नर्मदा के नीचे साइड पर हमें देखने को मिलती है है सूर्य पुत्री है कौन ताप्ती हमें देखने को मिलती है शनि की बहन ताप्ती हमें देखने को मिलती है और ये बहुत नीचे है यहां तक तो ऋग्वेद में मेंशन में ही नहीं किया गया है ऋग्वेद में ना नर्मदा का मेंशन है ऋग्वेद में ना ताप्ती का मेंशन है दोनों ही नदियों का मेंशन जो है नहीं किया गया है अब इससे आप क्या सीखे कि ये भी मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है ऋग्वेद के टाइम पर या वैदिक काल के टाइम पर कौन सी नदी को क्या कहा जाता था उनका जिक्र वेदों में कितने बार आया है गंगा का जिक्र कितने बार है यमुना का जिक्र कितने बार है सरस्वती का जिक्र कितने बार है सिंधु का जिक्र कितने बार है ये सारे चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब यहां पर वही कहानी लिखी है सप्त तो सप्तेंधव है ना सब तो रीजन मतलब सात नदियों का रीजन जो है उसी को मेंशन किया में, मेंशन किया किया गया गया है किसमें ऋग्वेद में है अब यहां पर देखो लिखा भी हुआ है कौन कौन सी नदी है काबुल नदी स्वात नदी ये भी एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है हुर्रम नदी गोमल नदी ये भी पूछा गया है सिंधु नदी आपको पता ही है झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज ये सब आपको बाकी की बेसिक है स्वात का ध्यान रखना पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपको मिलता है ना सॉल्ट वोल्ट भी यहाँ पर इस एरिया में स्वात वैली में बहुत मिलता है ठीक है अब अफगानिस्तान पंजाब पाकिस्तान वाले एरिया में आपको ये एरिया पूरा की पूरा जो है सप्तव क्षेत्र जो है वो देखने को मिल जाता है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम अगले प्रश्न की ओर चलो भाई ये बढ़िया है अशोक के अभिलेखों में वर्णित तुरमाया उसका समकालीन राजा था वो राजा कहां का था तुरमाया इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक वाज हिज कंटेप्री किंग ऑफ डैश ये अफगानिस्तान का था ये मिस्र का था ये मैसेडोनिया का था या ये सीरिया का था यह अच्छा क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है ये फंडे हिलाने वाला क्वेश्चन है यह कट ऑफ कम करने वाला क्वेश्चन है चलिए आंसर आ रहा है सी क्या लगाऊं वो भी मैं बताऊं किसी रहा है सी किसी का आ रहा है डी किसी का आ रहा है इजिप्ट इसका आंसर है अब ध्यान से सुनिएगा कहानी को है ना ध्यान से सुनिएगा कहानी को अशोक के आपको पता होगा अशोक के आपको बहुत सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं चौदह बड़े अभिलेख देखने को मिलते हैं और सात शिलालेख देखने को सात स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं जिनको हम पिलर एडिक्ट कहते हैं ठीक है अब जो तेरवा नंबर का अभिलेख जो था जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में भी जिक्र किया गया था उसी में आपको क्या देखने को मिलेगा पांच राजाओं के बारे में इसने जिक्र किया है और उन्हीं पांच राजाओं में से एक राजा जो है मिस्र का है और बाकी के जो राजा है वो कहां के हैं वो यूनान के हैं वो ग्रीस के हैं ठीक है वो ग्रीस के हैं है. है. अब थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सीरिया तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता था क्योंकि आपने अशोक के पूरे उस मौर्य काल में कहीं पर इसके बारे में नहीं पढ़ा अफगानिस्तान के बारे में नहीं पढ़ा सीरिया के बारे में नहीं पढ़ा मैसिडोनिया और ये दो ही ऐसे थे जो आपको परेशान कर सकते थे है ना तो इसमें फिफ्टी फिफ्टी चांस थे तो अब इसको थोड़ा समझ लो आंसर को दो बीसी की बात है 247 फोर्टी सेवन ईसा पूर्व आपको अच्छे से याद होगा 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था 261 सिक्सटी में कलंग का युद्ध हुआ था है ना उसी के 14 साल बाद की बात जो है यहां पर करी जा रही है कि तुरमाया जो है वो एक राजा हुआ करता था इजिप्ट का मिस्र का राजा हुआ करता था और इसने क्या किया था पांच ग्रीक राजाओं को भी मेंशन किया था तो ग्रीक राजा भी थे और तुरमाया एक इजिप्ट का मिस्र का राजा था इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन भी अच्छा है बेहतरीन क्वेश्चन है वेरी गुड है ना चलो बताओ 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 गुर्जरा लघु शिलालेख जिस पर अशोक के नाम उल्लेख है यह किस जगह पर स्थित है The गुर्जरा मिनर माइनर रॉक ऑन विच द नेम ऑफ अशोका इज लोकेटेड इन डैश उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान या बिहार ये लिखवाया है भाई साहब है ना पूरा की पूरा लिखवाया है एक एक चीज इसके बारे में मैंने आपको लिखवाई है अभिलेखों में तो आप बोल ही नहीं सकते कि सर अभिलेख में हमने पढ़ा नहीं हमें आता नहीं एक, -एक चीज लिखवाई है अभिलेख के बारे में ठीक है कहां पर अशोक का कौन सा नाम मिलता है किस इंस्क्रिप्शन में क्या चीज है सब कुछ लिखवाया है चलिए बिल्कुल सही जिनका आंसर मध्य प्रदेश आया है आपको इक्कीस तोपों की सलामी क्योंकि आंसर है बिल्कुल सही अब ये बता दो ये गुर्जरा अभिलेख जो है ये आपको मध्य प्रदेश में कहा देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में कहा देखने को मिलता है एक आंसर सोनू जी का मैं देख पा रहा हूं दतिया एमपी दतिया एमपी दतिया बिल्कुल सही कहां पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के दतिया में आपको देखने को मिलेगा गुर्जरा अभिलेख है ना ये उस अभिलेख में से है जहां पर अशोक का नाम मेंशन किया गया है अब आपको यह देखना पड़ेगा कि अशोक के किस अभिलेख में यह भी मैंने नोट्स में आपको लिखवाया है कि कहां पर अशोक का नाम अशोक दिया है ना देव नाम प्रिय दिया हर छोटी बड़ी चीज अपन अशोक की मेंशन कर चुके हैं एक क्वेश्चन अशोक का मान के चलना पूछा ही पूछा जाएगा अब 1953 में इस अभिलेख की खोज हुई थी 1953 में आजादी के छह साल बाद इसकी खोज हुई थी और ये कहां देखने को मिला है तो ये हमें दतिया में देखने को मिला है मध्य प्रदेश के ठीक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है पानी की आवश्यकता को समझते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन हुआ हु वॉज द फर्स्ट रूलर नहीं रियलाइजिंग द नीड ऑफ वाटर, द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन द किरनार एरिया वाज डैश चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक रुद्र दमन या स्कंद गुप्त चलिए आंसर आ रहे हैं सी ए सी ए चलिए

पहला संस्कृत भाषी अभिलेख यह हमें देखने को मिलता है और संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख यह देखने को मिलता है इस इंस्क्रिप्शन का इस अभिलेख का नाम बताइए हाँ इनके द्वारा रेनोवेशन कराया गया था रुद्र दमन के द्वारा स्कंदगुप्त के द्वारा रेनोवेशन करवाया गया था बिल्कुल सही बिल्कुल सही कौन सा इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन है है तो इसे कहा जाता जूनागढ़ क्या, क्या, क्या कहा जाता है सुदर्शन झील कहा जाता है है तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया लेकिन क्वेश्चन में आपसे झील के निर्माणकर्ता की बात करी तो हमने लिख दिया चंद्रगुप्त मौर्य अगर वो पूछता कि इसका आ, रेनोवेशन किसने करवाया है तब तो हम लगाते हैं रुद्र दमन स्कंदुप्त अगर पूछा जाता है कि इसमें से अभिलेख किसका मिलता है तो वो हम इन हमें इन तीनों का ही प्राप्त होता है तो ये वेरी वेरी वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है जिसने इंस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं पढ़े हैं जिसको डिटेलिंग बिल्कुल नहीं पता है यूट्यूब पर सर्च करिएगा अंशुल तिवारी अन अकेडमी आपको मेरी इंस्क्रिप्शन वाली क्लास मिलेगी उसको देखना बड़े डिटेल में फोटो वोटो दिखा के पूरी कहानी बता के समझाया है चलिए अगला क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ होगा कुछ मेगस्तिनिस की, मेगस्तिनिस आपको किताब लिखी है, इंडिका, उसमें लैंड और वाटर के बारे में लिखा हुआ है और इसी टाइम पर सुदर्शन था चंद्रगुप्त मौर्य करवाया गया था, के गया था ना? अब याद रखिएगा मैंने आपको बताया भी था जब मैं पढ़ा रहा था कि वाटर मैनेजमेंट का जल प्रबंधन का एक ये जबरदस्त एग्जाम्पल है आप आपके वाटर मैनेजमेंट वाले नोट्स में या मीन में कभी क्वेश्चन आता है तो इस चीज का जिक्र कर सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट जल प्रबंधन हमारे यहाँ पर किस काल से हो रहा है चंद्रगुप्त मौर्य हो रहा है तीन सौ बीसी से जल प्रबंधन जो है हम लोग कर रहे हैं मतलब कितने साल हो गए हैं ढाई हजार साल से भी ज्यादा टाइम से हम कर रहे हैं ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दासों के लिए एक अलग विभाग इनमें से किसके द्वारा स्थापित किया गया था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है है ना सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्लेव गुलामों का गुलामों का चहेता कौन था मोहम्मद बिन तुगलक इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक ये तुगलक ही पर ध्यान ना दे, है ना? मोहम्मद बिन तुगलक इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक चलिए ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल सही आए हैं आंसर क्या है आंसर है सर फिरोज शाह तुगलक है ना इसको अलग ही दीवानगी थी इसको अलग ही दीवानगी थी किसकी गुलामों की ऐसा बताया जाता है दिल्ली सल्तनत में एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास में थे तो सबसे ज्यादा गुलाम इसी के पास में हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक के पास में दो लाख से भी ज्यादा गुलाम जो है फिरोज शाह तुगलक के पास हुआ करते थे और इसने एक डिपार्टमेंट ही बनवा दिया था इन लोगों के लिए और उस विभाग का नाम क्या था तो उस विभाग का नाम था बताओ विभाग का नाम बिल्कुल सही दीवाने बंदगान दीवाने बंदगान इसके उस विभाग का नाम था है ना अब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ये कैसा था ये तुर्क मुस्लिम था तुगलक डायनेस्टी को बिलोंग करता था 1351 से तेरह तक इसने शासन किया ठीक है और फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग से ही डिपार्टमेंट चलाया था किसके लिए गुलामों के लिए ठीक है और इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था तो इस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने बंदगान ठीक है चलो ये शायद कल वाली क्लास में बताया था आपको मैंने चलिए अगला क्वेश्चन आ हा हा अब कहानी में बदलाव आया है है ना अब हम कहीं और चल रहे हैं कहानी में क्या बदलाव आया है आपको बताना है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए अरिष्टनेमी पार्श्वनाथ पार्शवनाथ अजीतनाथ या ऋषभ ऋषभ देव है ना हैज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैन जैनिज्म अरिष्ट अरिष्ट पार्श्वनाथ अजीतनाथ या ऋषभ लगाइए आंसर चलिए ऑलमोस्ट सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं आंसर क्या है आंसर है ऋषभ देव है ना आंसर क्या है ऋषभ देव पहले तीर्थंकर कौन हुए तो ऋषभ नाथ ऋषभदेव जो है वो हुए और इन्हीं को क्या क्रेडिट जाता है तो इन्हीं को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने है ना फॉर्मुलेट किया था कि भाई ह्यूमन कैसे इस तरीके से सोसाइटी में शांति से हार्मोनसली जो है व्यवस्थित तरीके से रह सकते हैं ठीक है थीके? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आहा हा हा निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ त्रिवर्ग का हिस्सा नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिवर्ग अर्थ काम मोक्ष धर्म ठीक है बताओ भाई इनमें से कौन सा पुरुषार्थ त्रिवर्ग का हिस्सा नहीं है अब त्रिवर्ग क्या होता है पहले यह समझना पड़ेगा तब जाकर समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है चलिए सी डी सी डी सी डी ठीक है चलिए जिनका आंसर भी त्रिवर्ग में मोक्ष है बिल्कुल सही है जिनका आंसर भी मोक्ष लिखा हुआ है बिल्कुल सही है देखिए त्रिवर्ग होता है चतुर्वर्ग होता है ना दो वर्ग होते हैं त्रिवर्ग मतलब क्या हुआ अर्थ धर्म काम और चतुर्वर्ग क्या हुआ अर्थ धर्म कार का, काम और मोक्ष ठीक है तो जो त्रिवर्ग वाला पार्ट है उसमें हम क्या देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि मोक्ष को जगह नहीं दी गई है तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा त्रिवर्ग त्रिरत्न है ना अष्टांगी मार्ग चतुर्वर्ग ये सारे चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एशियंट हिस्ट्री के हिसाब से क्लियर चल अब अर्थ धर्म काम ये त्रिवर्ग के भाग है लेकिन मोक्ष जो है त्रिवर्ग का भाग नहीं है ये चतुर्वर्ग का भाग है किसका भाग है चतुर्वर्ग का भाग है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में स्थित है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन दिल्ली हुमायूं का मकबरा सिकंदर लोधी का मकबरा कुवात उल इस्लाम मस्जिद या उपरोक्त सभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो दिल्ली में स्थित है बताओ मैं पानी पीता हूँ आप आंसर बताओ चलिए बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन है है ना हुमायूं के मकबरे की अगर हम बात करें तो ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है इंडियन गवर्नमेंट साइड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है कूतुल इस्लाम मस्जिद ये भी उसी के अंतर्गत आती है और सिकंदर लोधी का मकबरा भी इसी के अंतर्गत आता है तो आंसर क्या हो जाएगा लड्डू सा क्वेश्चन है ऑल ऑफ द बोथ सारे के सारे कहां पर स्थित है दिल्ली में स्थित है ठीक है अब हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है ना मकबरे में हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य पत्नी महरानी बेग ने बनवाया था है ना और मिरक मिर्जा गयास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद उनके द्वारा चुने गए फारसी वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया था है ना अब जो ये मकबरा आप देखेंगे एक बार कोशिश करिएगा कभी आपको टाइम मिले हुमायूं का मकबरा देखने की आ, मेरे ख्याल से राज्यसभा टीवी ने भी इसके बारे में बताया है डिस्कवरी ने भी इसके बारे में बताया है आ, अकबर की इच्छा थी कि बहुत ही बड़ा इतना बड़ा बने इतना बड़ा बने कि दुनिया याद रखे मेरे पिता को है ना और इनकी जो माँ थी अकबर की उनकी भी यही इच्छा थी है ना किसकी महारानी बेगा बेगम की तो इसके लिए ही ये बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा अभी इसका रेनोवेशन ये क्वेश्चन डालने का एक ही कारण है इसका रेनोवेशन करा रही है भारत सरकार तो इसलिए ये क्वेश्चन डाला है विशेष तौर पर इसका ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया था उसका नाम बताइए द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रिस्ट हिंदी उर्दू पहली या हिब्रू ये बहुत ज्यादा इजी हो गया है प्रोटोकॉल है ताजमहल का अरे बाप रे ये कहाँ पढ़ लिया आपने बिल्कुल सही जिनका आंसर है पाली बिल्कुल सही है पाली प्राकृत है ना पाली और प्राकृत ये दोनों जो है, उस करती थी, इसे आम की भाषा कहा जाता है तो इन सब के लिए मैंने लैंग्वेजेस इन इंडिया करके यूट्यूब पर ही क्लास ली हुई है एक बार उसको देख लेना ये सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके ठीक है तो सिंपल सा था पाली भाषा में आम जन की भाषा में गौतम बुद्धा ने जो है स्पीच दिए थे उनके चलिए अगला अब देखो यहां पर क्या किया संस्कृत का उपयोग नहीं किया क्योंकि संस्कृत को विद्वानों की भाषा माना जाने लग गया था आम जनता नहीं बोलती थी जो विद्वान हुआ करते थे जो कुलीन वर्ग हुआ करता था सिर्फ वही संस्कृत बोलता था और ये कालिदास के नाटक में भी हमने देखा है कालिदास के नाटकों में भी यह चीज जो है बताई गई है अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं मुसलमानों की संपत्ति और भूमि पर निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा वसूला जाता था विच ऑफ द फोइंग टैक्से ऑन द प्रोपर्टी एंड लैंड ऑफ द मुस्लिम वॉज चार्ज एंड कलेक्टेड बाय डेली सुल्तान जजिया जकत खर्ज या खब बताओ, बताओ 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 ये बढ़िया क्वेश्चन है मजा आएगा चलिए आंसर क्या आ रहे हैं और ए भी दोनों चलिए अब गलती क्या हो रही है पता है आपको गलती हो रही है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो लिखा क्या है संपत्ति और भूमि भूमि और संपत्ति लिखा हुआ है है ना अब जजिया जकात तो हो ही नहीं सकते ये तो यूं ही हटा दो दो में से तो ऑप्शन देना है जजिया जकात तो हो ही नहीं सकते जजिया तो ब्राह्मणों से ले रहे हैं जकात जो है मुस्लिमों से ले रहे हैं दोनों रिलीजियस उस पर आ रहे हैं ये दोनों तो हो ही नहीं सकते जो ये भी सोच रहे हो क्वेश्चन तो बढ़ो क्वेश्चन में लिखा गया है ठीक शिपरा जी का आंसर सही है आंसर क्या है आंसर है खम्स आंसर क्या है, है। जजिया जकात तो यार इतना पढ़ाए पढ़ाए कल ही आपको सोचो जरा कल पढ़ाए आज भूल गए कल पढ़ाए इनके बारे में पांच बताए थे आपको उश्र बताया था उश्र खरज खम्स जजिया जकात ये सारे के सारे बताए थे अब उश्र किससे लिया जाता था तो जो नॉन मुस्लिम थे जो गैर मुसलमान थे उनसे लिया जाता था है ना किसके लिए जमीन जमीनी कर भू राजस्व कर जिसे हम कहते हैं है ना क्या होता था प्रॉपर्टी टैक्स हुआ करता था जकात क्या हुआ करता था रिलीजियस टैक्स हुआ करता था और जजिया जो है वो नॉन मुस्लिम पर रिलीजियस टैक्स धार्मिक कर या जो भी आप कहना है वो कह लीजिए ठीक है तो यहां आंसर क्या होगा आंसर होगा खम्स ये लिया जा रहा टोटल प्रॉपर्टी का मुसलमानों से और हिंदुओं से जो लिया जा रहा उसे क्या कहा जाता उश्र कहा जाता बात समझ में आई क्लियर हुआ उश्र और खम्स दोनों लैंड टैक्स दोनों प्रॉपर्टी टैक्स है उश्र और खम्स लेकिन दोनों के दोनों के एक हिंदू पर है एक एक मुसलमान पर है और एक गैर मुसलमान पर है वैसे ही जो हमने दो पढ़े थे कौन कौन से जजिया और जकात जजिया जो है वो किससे लिया जा रहा है हिंदुओं से लिया जा रहा है और जकात जो है वो किससे लिया जा रहा है तो वो रिलीजियस टैक्स है जो मुसलमानों से लिया जा रहा है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ भाई हाउ मेनी टाइम द वर्ड जना ऑकर इन ऋग्वेद ऋग्वेद में जन शब्द कितनी बार आया है पिछहत्तर बार एक सौ पिछुत्तर बार दो सौ पिछहत्तर बार या तीन सौ पिचोत्तर बार पूजा जी उसके लिए आप है ना सारी क्लासेस देखा करो यहां टाइम पास मत करो आप अगर सारी क्लासेस देख रही हो तो आपको पता होगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर हो तो आपको पता होना चाहिए कोई बताइए भी मत चलिए ऋग्वेद में जन शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया गया है बी कह रहे हैं एक सौ पिछहत्तर बार आर यू श्योर कुछ कह रहे हैं सी दो सौ पचहत्तर बार बिल्कुल सही जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल सही है टू सेवेंटी फाइव टाइम्स जो है शब्द इस्तेमाल किया गया है जना इस्तेमाल किया गया है अच्छा जना क्या होता है वो तो मैं बता दूंगा जन शब्द जो है वो बना है किससे जनपद से बना हुआ है ना एक शब्द था जनपद जिससे ही शब्द क्या बना जन बना ठीक है कोई मुझे बता सकता है कि जन शब्द तो पिछहत्तर बार इस्तेमाल किया गया है जनपद शब्द कितने बार इस्तेमाल किया गया है वेद में ऋग्वेद में जनपद शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया गया है जनपद शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में कितने बार किया गया है ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा जी हाँ बिल्कुल सही जनपद शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया गया है तो बहुत ज्यादा बार मतलब जीरो बार चलो बढ़िया है अब बताओ ऋग्वेद में राज्य शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया गया है में राज्य शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया गया है एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे तैयारी जबरदस्त करके चले है ना बिल्कुल धुआंधार तरीके से पढ़ाई करेंगे इस बार चले जीरो बार ग्यारह बार नॉट मेंशन राज्य शब्द का इस्तेमाल एक बार किया गया है एक बार राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया जनपद जीरो बार और जन दो सौ पिछहत्तर बार ठीक है तो ये चीज सारी चीजें ध्यान रखिएगा है ना राज्य शब्द कितने बार आया है एक बार राज्य शब्द आया है दो सौ पिचोत्तर बार जन शब्द आया है और जनपद आया ही नहीं है है ना जनपद शब्द ही मेंशन नहीं किया गया है अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन न जाने कितनी एग्जाम में पूछा गया महाफुद्दू क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया विच डायनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन दिल्ली सल्तनत गुलाम वन्ष, खिलजी वन्ष, वन्ष, लोधी वन्ष? बताओ ये क्वेश्चन तो गलत करना ही मत बताया था पहले ही दिन बताया था दिल्ली सल्तनत के क्लास में कि भाई इनके सबके टाइम पीरियड पता होना चाहिए चलिए बिल्कुल सही है ना तुगलक वंश कब से कब तक किया था 1320 से लेकर चौदह सौ चौदह तक राज किया किसने तुगलक वंश के द्वारा राज किया गया सबसे छोटा अगर पूछ ले तो क्या आ जाएगा खिलजी वंश बारह से लेकर 1320 तक राज्य किसने किया तो ये राज किया गया खिलजी वंश के द्वारा तो सबसे छोटा भी ध्यान रखें सबसे बड़ा भी ध्यान रखें है ना इनकी क्रोनोलॉजी भी ध्यान रखें कौन किसके बाद आया था संस्थापक कौन थे नाम बदलकर क्या रखा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए दिल्ली सल्तनत के बारे में चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब ये देखो कहानी लिख दी ममलूकंश से बारह सौ नब्बे चौरासी वर्ष वंश बता दिया सबसे कमलाकदी चौदह सौ चौदह से इक्यावन और चौदह सौ इक्यावन से पंद्रह सौ छब्बीस इब्राहिम लोधी पर कहानी खत्म आया मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य कौन सा है आहा, क्या क्वेश्चन पूछा मजा ही आ गया विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म नॉन वायलेंस अहिंसा रेनउंसिएशन त्याग मोक्ष या वॉल्टरली प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर मानव कल्याण का स्वैच्छिक प्रचार हाँ भाई आओ मार्केट में आओ ऐसे दबे छुपे क्यों आ रहे हो धीरे धीरे से लिख रहे हो वंशिका जी कह रही है डी कुछ कह रहे हैं सी कुछ कह रहे हैं डी सी डी सी डी में चल रहा है क्या है साहब सी डी अच्छा सी है मोक्ष और है मोक्षरली प्रमोशन और बी है त्याग ए वाले भी है ए क्या था अहिंसा आओ गॉड चलिए अब आंसर की बात कर लेते हैं तो आंसर ऐसा है दोस्तों इसका आंसर है मोक्ष आंसर क्या है आंसर है मोक्ष देखिए जैन धर्म अहिंसा की बात करता है कि अहिंसा हमें अपनानी चाहिए त्याग हमें करना चाहिए है ना मानव मानव कल्याण जो है उसको हमें उसका प्रचार करना चाहिए और ये चीजें क्यों करनी चाहिए यह प्राप्त करने के लिए क्या है दैट इज मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने की बात कही गई है कि भाई मोक्ष प्राप्त आप कैसे करेंगे इस बर्थ डेथ की साइकिल से इस जीवन मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर होंगे जब आपको मोक्ष प्राप्त होगा और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा तो हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं हम त्याग का रास्ता अपनाएं हम मानव कल्याण करें इसी से तो हमें मोक्ष मिलेगा ठीक है तो ये अच्छा क्वेश्चन है हाई लेवल क्वेश्चन है बनना चाहिए था आपसे ठीक है अब जिनका गलत हुआ है ध्यान रखिएगा इस चीज को देखिए जैनिजम में मोक्ष को सर्वोच्च माना गया है और श्रेष्ठ माना गया है उद्देश्य यह है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा को प्रयास करना चाहिए वास्तव में यह एकमात्र उद्देश्य है जो व्यक्ति के पास होना चाहिए बाकी के उद्देश्य जो है वो आत्मा के ही उद्देश्य से विपरीत है।, है ना सही दृष्टि ज्ञान और प्रयास से सभी आत्मा इस स्थिति को प्राप्त कर सकती है ठीक है और इसीलिए इसको क्या कहा गया है मुक्ति का मार्ग कहा गया है इसीलिए इसे पाथ टू लिबरेशन कहा गया है यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है पाथ टू लिबरेशन मुक्ति का मार्ग ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन लाइक बहुत कम है यार लाइक क्यों नहीं कर रहे हो लाइक करो फटाफट अगला क्वेश्चन ऋग्वेद का कौन सा ब्रह्मांड कौन सा भाग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विवरण देता है विच पार्ट ऑफ ऋग्वेद अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स बताओ साहब कौन कौन सा मंडल दिए दूसरा मंडल चौथा मंडल नोवा मंडल दसवा मंडल चलो बताओ बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है

जो थी है ना जो एक सौ उनतीसवीं जो है वो इसके बारे में जिक्र करती है किस चीज के तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जिक्र करती है आप कहेंगे सर इतना पहले लिख लिख कैसे दिया दिया तो बिल्कुल साहब हम नवग्रह की पूजा जब से कर रहे हैं जब अंग्रेजों को एबीसीडी नहीं आती थी है ना टेलीस्कोप की खोज के है ना पंद्रह सो दो हजार साल पहले से हम कर रहे हैं पूजा नवग्रह की टेलीस्कोप इनको बाद में पता लगा हमारा पंद्रह रुपए का पंचांग हमारा पंद्रह रुपए का लाला राम स्वरूप कैलेंडर भी वही चीजें बताता है जो नासा की सेटेलाइट बताती है ना तो गजब अलग ही लेवल है अलग ही लेवल है भारत का है तो ना अलग ही स्वैग है आज से नहीं बहुत पुराना स्वैग है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकांश समय किस शहर से शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम विच सिटी लाहौर मुल्तान दिल्ली या अजमेर बताओ 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 कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राज किया जो शासन किया वो किस जगह से किया कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद होगा मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था बारह से बारह तक का टाइम पीरियड था बारह में चौगान खेलते हुए इसकी डेथ हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की इसे ही लाख बख्श कहा जाता है बहुत पैसा डोनेट किया इसने लाहौर और दूसरा ऑप्शन सी आ रहा दिल्ली ठीक है जिनका भी आंसर लाहौर है बिल्कुल सही है है ना लाहौर वाले सही है बाकी सब गलत है लाहौर के अलावा जो भी आप लगा रहे हैं है ना इसे लाहौर में ही रोक लिया गया था है ना इसे जनता ने लाहौर में ही रोक लिया था कि आप लाहौर में ही रहिए आना तो चाहता था दिल्ली पर जनता ने रोक लिया था और इसीलिए इसने लाहौर से रहकर ही प्रशासन को संभाला जनता के बीच में अच्छी भूमिका बांधने के लिए इसने लक्ष्मी जी के सिक्के चलवाए जनता के बीच में अच्छी भूमिका बांधने के लिए इसने बहुत सिक्के जो है वो दान करे और इसीलिए जनता के द्वारा इसे एक उपाधि दी गई थी जिसे कहा जाता है लाख बख्श फिर एक क्वेश्चन पूछा था दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण ही नहीं करी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो सुल्तान था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी अब सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करने के पीछे का क्या कारण था तो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करने का कारण था इसका कहना था कि मैं मोहम्मद गौरी का गुलाम हूं और मैं गुलाम बनकर ही रहूंगा तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है अशोक नामक बौद्ध भिक्षु अशोक वॉज इन्फ्लु अच्छा, लग, लगना चाहिए था वो इनविजिबल आपको दिख नहीं रहा है ना अशोक डैश नामक बौद्ध भिक्षु से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए अशोक वॉज वेरी मच इन्फ्लुन्स्ड बाई मोक कॉल्ड डैश उपगुप्त वसुबंध वसुबंधु अम्बी या अश्वघोष लगाओ 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 क्या लगा रहे हो आंसर ए बी बी क्या था भाई वसु वसुबंधु ए बिल्कुल ए और बी में कंफ्यूजन है इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई इसमें तो कंफ्यूजन जैसा कुछ था ही नहीं चलिए आंसर क्या है आंसर है ए है ना आंसर क्या है ए उपगुप्त जो है उपगुप्त जो है वो बौद्ध भिक्षु थे जो अशोक मतलब जिनसे अशोक बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है तो संस्कृत तो का एक ग्रंथ है जिसे अशोक वादन कहा जाता है क्या कहा जाता है अशोक वादन कहा जाता है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा अशोक वादन इसी से हमें जानकारी किसकी मिलती है तो ये जानकारी मिलती है कि उपगुप्त से बहुत ज्यादा प्रभावित था अशोक है ना अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उपगुप्त भी इंपॉर्टेंट है वसुबंधु भी इंपॉर्टेंट है अंभी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है अशोक का सीलोन का समकालीन राजा कौन था अशोक कंटेम्प्री किंग ऑफ सीलोन अब है पकंडुका देवनाम पिया टिस्सा या मुतासिबा बताओ भाई अरविंद सिलवा भी दे देना था एक ऑप्शन इसमें चलो बताओ 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 चलिए बिल्कुल सही अशोक का सीलोन सिलोन मतलब हम यहां पर दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं तो हम सीहल देश की बात कर रहे हैं है ना और सिहल देश कौन सा है तो ये वही सिहल देश है जैसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं जैसे हम लंका के नाम से जानते हैं और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि भाई श्रीलंका का राजा कौन था जो अशोक के समकालीन था तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि अशोक का एक छोटा भाई हुआ करता था जिसे हम टिष्य के नाम से जानते हैं अशोक के टोटल मिलाकर अशोक को अगर हम साथ में रखें तो 101 भाई थे 101 भाई में से इसने 100 भाइयों को मार दिया था निन्यानवे भाइयों को मार दिया था एक अशोक खुद बचा था और एक को को छोड़ दिया था पर को इसने कहा भेजा श्रीलंका भेजा और श्रीलंका का राजा बना दिया था उसका पूरा नाम था देवनाम पियदासा टिस्स और इसी टिस्स के पास में अपने चाचा के पास में ही गए थे कौन महेंद्र और संगमित्रा ठीक है तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने इसके बारे में सब बताया था चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ

किस चीज को आर्य नहीं जानते थे यह आपको बताना है कि इनमें से किस चीज को आर्य नहीं जानते थे बिल्कुल सही आंसर क्या है आंसर है ब्लैक स्मिथ लोहार है ना अब लोहे की खोजी नहीं हुई तो लोहार कहां से लाओगे जब लोहे की खोज ही नहीं है तो लोहार कहां से आएगा लोहे की खोज जो है वो कब हुई है तो लोहे की खोज हुई खोज हुई है छह सौ बीस के आसपास है ना अभी तो लोहे की खोज ही नहीं हुई लोहे की खोज होगी उत्तर वैदिक काल के भी आखिरी में जो है होगी है ना अब आ रहे जब आए थे जब तो लोहा था ही नहीं तो सीधी सी बात है लोहार जैसी कोई चीज नहीं होती होगी सिंपल था लॉजिक चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है इलतुतमिश ने ऐबक के उत्तराधिकारी के लिए गद्दी पर किसे बिठाया थोड़ी देर पहले ये भी पूछ लिया था मैंने आपसे होम टू सक्सीड एबक टू थ्रोन आराम शाह जतर खान तग। तेगुद्दीन यलदूज या नसरुद्दीन कबाचा बताओ सा चलिए बिल्कुल सही सभी का आंसर सही है आंसर क्या है आराम शाह है ना अब इसमें देखो आप इसमें रजिया सुल्तान होता तो रजिया सुल्तान ज्यादा सही था लेकिन इसमें रजिया सुल्तान ऑप्शन रजियां नहीं दिया तो अगला राजा कौन कौन बना 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 ये पूछा गया है 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 ना तो कौन बना? वो बना आराम शाह ठीक चलिए अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, है निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया फॉलोइंग रूलर हैड एम्ब्रेस्ड जैनिज्म जैन धर्म को अपनाने वाले शासक का नाम बताइए चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अजात शत्रु या पुल प्रथम बताओ भाई इनमें से कौन था जिसने जैन धर्म अपनाया था जैन धर्म जैन धर्म अपनाने वाले राजा का नाम बताए जी हाँ बिल्कुल सही चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था बिल्कुल सही है ना चंद्रगुप्त मौर्य ही कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में जाते हैं और श्रवण बेलगोला में जाकर ये संथारा आ, जो प्रोसेस है उसके तहत अपने प्राण जो है 298 नाइन्टी एट बी में दो सौ अंठानवे ईसा पूर्व में जो है वो त्याग देते हैं अब इनके साथ में एक जैन संत आए थे जो कि कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे इन जैन गुरु का नाम बताइए जिनके साथ में आए थे कौन चंद्रगुप्त मौर्य बताओ कौन था वो व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो साथ में आए थे इनके मगध से कर्नाटका की यात्रा करी थी बिल्कुल सही किसके साथ में आए थे भद्रबाहु के साथ में आए थे, थे। जिन्हें नहीं पता है लिख लीजिएगा किसके साथ आए थे भद्रबाहु के साथ में आए थे भद्रबाहु ठीक है कहाँ गए थे श्रवण बेलगोला गए थे जो कि श्रवण बेलगोला कहां पर आता है कर्नाटका में आता है श्रवण बेलगोला और यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे इन्होंने 298 में चलिए अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया अपने जीवन के अंत के समय पर और गद्दी किसके नाम कर दी अपने बेटे बिंदुसार के नाम कर दी अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद कथक संहिता मैत्रायण संहिता तैत्री संहिता या वज सनेई संहिता इनमें से कौन सी संहिता जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता मतलब उसी की सब ब्रांच मानी जाती है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये मोस्टली आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बहुत से बच्चों को चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं डी सी डी क्या है भाई वज सने ठीक है और बाकी लोग क्या लगा रहे हैं कुछ लोग लगा रहे हैं सी सी क्या है तैतरी संहिता देखिए थोड़ा सा इधर आइए है ना यजुर्वेद यजुर्वेद पर आइए तो यजुर्वेद में आपको दो चीजें लिखवाई मैंने एक लिखवाई किसके बारे में शुक्ल यजुर्वेद के बारे में लिखवाई थी जो गोरा वाला था है ना और एक आपको कृष्ण यजुर्वेद लिखवाया था जो कि सावला था है ना तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है ना इसी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो है वो क्या है वो ये है दैट इज वच से नहीं संहिता जिनका भी आंसर डी है बिल्कुल सही जवाब है है ना

अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला लड्डू क्वेश्चन है कौन था समकालीन इतिहासकार रजिया सुल्तान की एक अच्छे प्रशासक के रूप में अरे ये तो अभी हो गया ना ये तो अभी कड़ा था उस मिनहज सिराज के बारे में क्वेश्चन चलो छोड़ो उसको आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के चौबीसवें वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म डैश में हुआ था और इनकी मृत्यु डैश में हुई थी वर्धमान महावीर दी फोर्थ तीर्थंकर ऑफ एट एट डैश एंड डाइड डैश वैशाली राजगृहा कुशीनगर पावा पावा पावापुरी जिसको हम कहते हैं कुंडलग्राम पावापुरी या पावा कुंडल पावा काशी और चंपा यह बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है इसमें पांच ऑप्शन देते हैं मैंने एक हटा दिया आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम करने के लिए चलो भाई आंसर क्या आ रहे हैं कुछ कह रहे हैं बी कुछ कह रहे हैं सी चलिए आंसर क्या है आंसर है सी है ना कुंडलग्राम में जन्म हुआ था पावापुरी में जो है वो डेथ हुई थी है ना कुंडलग्राम में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का जो कि 24वें तीर्थंकर है और पावापुरी में डेथ हुई थी अच्छा मुझे ये बता दो किस किस टाइम पर राजा कौन था जब महावीर स्वामी की डेथ हुई इस टाइम पर मगध का राजा कौन था बस इतना और बता दो मजा आ जाएगा मगध का राजा कौन हुआ करता था ये और बताओ बताओ कश्मीर कश्मीर कहाँ गया इसमें आपसे तो राजा का नाम पूछ रहा हूं बिल्कुल सही इस टाइम पर राजा कौन था तो इस टाइम पर राजा हुआ करता था अजात शत्रु जिसने अपने पिता की ही हत्या करके पद संभाला था वही अजात शत्रु जो है समकालीन हुआ करता था महावीर स्वामी के और गौतम बुद्ध के और दोनों की ही डेथ गौतम बुद्ध की और महावीर स्वामी की दोनों की का ही देहांत जो है वो किसके टाइम पर हुआ था तो अजात शत्रु के टाइम पर हुआ था अजात शत्रु किस वंश को बिलोंग करता था तो हरियक वंश को बिलोंग करता था और इसी वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि अजात शत्रु की हत्या उदयन के द्वारा कर दी जाती है आगे चलकर है ना तो बाप को बेटा मार रहा है तो उसे ही पिता हंता वंश कहा जाता है और जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ ग्राम में हुआ और डेथ पर चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आहा, क्या क्वेश्चन आया है वाह भाई ठाकुर जी देव की पुत्र कृष्ण का सबसे पहले संदर्भ डैश में मिलता है पुत्र कृष्ण औकर इन महाभारत अष्टध्यायी भागवत पुराण या छंदोग्य उपनिषद लगाओ 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 बताओ पढ़ोगे तो सब इजी लगेगा नहीं पढ़ोगे तो फिर तो भाई सभी डिफिकल्ट लगेगा चलो वाह यार क्या लगाते हो आंसर चलो इक्कीस तोपो के सलामी जिन्होंने सी लगाया ये आंसर पूर्णता गलत है क्वेश्चन को पढ़ो अगर लिखा हुआ है पहला संदर्भ कहा मिला है तो मेरे लाड लो इतना दिमाग लगाओ कि अगर भगवत पुराण ही आंसर होता तो ऐसा क्वेश्चन कोई तुमसे पूछेगा क्या पीएससी में कोई पूछेगा ऐसा क्वेश्चन पूछने की हिमाकत करेगा क्या ऐसा लड्डू क्वेश्चन पूछेगा नहीं पहला संदर्भ देव की पुत्र कृष्ण का आपको कहाँ देखने को मिलेगा छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलेगा कहाँ देखने को मिलेगा छंदोग्य उपनिषद में आपको पहला जिक्र देखने को मिलेगा देवकी पुत्र कृष्ण का अब हमारे भारत में बहुत सी चीजें चलती रहती है जैसे आज की तारीख में हम बात करें तो भाई हम जेंडर इक्वालिटी की आज तक बात कर रहे हैं है ना हम कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास पुरुष प्रधान रहा है ना पुरुष प्रधान वंश रहा है जरा नाम तो पढ़ो जरा नाम तो पढ़ो क्या लिखा है देव की पुत्र कृष्ण लिखा है है ना हम बीच में इतिहास को अच्छे से याद नहीं रख रह पा रहे हैं इतिहास को भूल गए हैं महिलाएं स्पेशल थी है और रहेंगी और ये मैं नहीं कह रहा नाम से समझ जाओगे देव के पुत्र कृष्ण लिखा हुआ है है ना आप जय सिया राम बोलते हो है ना उमापति शंकर बोलते हो ठीक है तो हमेशा लेडीज फर्स्ट ये हमने नहीं ये भगवान ने ही हमें सिखाया है है ना तो देव के पुत्र कृष्ण जो है उनका सबसे पहले जिक्र आपको कहा देखने को मिलता है तो छंदोग्य उपनिषद में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है दूसरा आपको भारतीय इतिहास में आंध्र सातवाहन वंश में देखने को मिलेगा वहां पर आपको नाम मिलेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी के उन्होंने भी मदर प्रधान अपनी माँ का नाम जो है वो रखा था ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं अब देखो छंदोग्य उपनिषद में है छठवी शताब्दी के आसपास लिखा गया ऐसा कुछ इसमें बता रहे हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ये बढ़िया है ये बढ़िया है गुरु मजा आएगा चलो विच हिंदू कन्वर्ट कॉन्सपायर्ड अगेंस्ट बलबन ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसरुद्दीन ऑफ़ टाइम किस हिंदू धर्मांतरित ने नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में बलबन के खिलाफ साजिश रची और उसे थोड़े समय के लिए अपदस्त कर दिया मलिक अलतूनिया इमाउद्दीन रेहान खुशरो खान या जुनेदी नाम ही जबरदस्त है हा भाई आ गया स्वाद चलिए आंसर क्या लगा रहे हो खुसरो खान कहाँ लिखा भाई सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सी 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 एल भाई चलिए अब मैं आपको सही आंसर से रूबरू कराता हूँ आंसर है इमादुद्दीन इमादुद्दीन रेहान है ना इमाउुद्दीन रेहान वो व्यक्ति था है ना जिसने बलबन के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी थी अब था क्या तो बलबन के पास में ऐसी पोस्ट पोस्ट थी थी वजीर वाली है ना और नसरुद्दीन महमूद शाह ये राजा हुआ करता था लेकिन सारी शक्ति बलबन के हाथ में थी तो यहाँ पर इमादुद्दीन रेहान ने इस तरीके की गोटी फिट करी इस तरीके की गोटी फिट करी कि कुछ समय के लिए बलबन को ही बाहर कर दिया गया था लेकिन बलबन रिटर्न बलबन वापस आता है और बलबन क्या करता है सबसे पहले

गौतम बुद्ध को डैश में ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है गौतम बुद्ध हैज been eulogized एज ocean ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन डैश बुद्ध चरित्र में जातक कथाओं में अमरकोश में या लाइट ऑफ एशिया है ना लाइट ऑफ एशिया की हिंदी थोड़ी सी गलत हो गई है ठीक है लाइट ऑफ एशिया की आ, हिंदी थोड़ी सी गलत हो गई है ना एशिया की रोशनी ऐसा समझ लीजिए क्वेश्चन के साथ ईयर भी मेंशन करिए अरे अगर मैं ईयर मेंशन करूंगा ना दोस्तों होगा क्या उसमें भी लोग है ना सिलेक्शन कर लेंगे ये पढ़े ये, ये ना पढ़े हमें सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है इसलिए मैंने आप देखोगे कि किसी भी क्वेश्चन में मैंने सिर्फ निकाले हैं कि ये बिहार पी ये यू पी या यू पी पी सी एस आ रे एस हरियाणा पी सी पंजाब पी पर मैंने ईयर सबके हटा दिए हैं क्यों हटाए हैं ताकि आपका फ़ायदा हो आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि भाई ये पढ़नी है हमें एग्ज़ाम में आती है चलिए बताइए क्या दे रहे हो ऑप्शन ए, डी, बी इस तरीके से आ रहे हैं ऑप्शन चलिए शिवानी जी का आंसर आया है सही जो मुझे एकदम से दिखा है ना आंसर क्या है आंसर है अमर कोश जातक कथाओं में तो ये गौतम बुद्ध के बारे में कहानियां हैं जिन्हें जातक कथा कहा जाता है बुद्ध चरित्र में तो पूरा उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है लाइट ऑफ एशिया ये तो एक उपाधि है जो गौतम बुद्ध को दी जाती थी आंसर क्या है आंसर है अमरकोश है ना आंसर क्या है अमरकोश अब ये किसके द्वारा लिखा गया था तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था अब ये भी एक क्वेश्चन है ना कि अमर कोश किस भाषा में है ना अब अपने को लगता है और देंगे भी वो ऐसा एग्जाम में वो देंगे भी ऐसा कि अमर कोश जो है वो गौतम बुद्ध पर है आपको ये बताना है कौन सी भाषा में अब जैसे गौतम बुद्ध नाम सुनते हैं, हमें पाली भाषा की याद आ जाती है पर याद रखिएगा अमर कोश अमर सिंह के द्वारा लिखित है पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है है ना किस में लिखा है संस्कृत भाषा में लिखा है और यह सबसे पुराने कोशों में से एक है है ना अमर कोश में बुद्ध को क्या कहा गया ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में प्रतिष्ठित जो है वो किया गया है ठीक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा ठीक है चल अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निंदलिकित में से किस मंडल में दस राजाओं के युद्ध का वर्णन है फॉलोइंग मंडल ऋग्वेद इज द बैटल ऑफ टेन किंग्स दूसरा मंडल पांचवा मंडल सातवां मंडल या अरे ये मंडल है मंडल है ना ये मंडल है मरीदाल नहीं है मंडल है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिंग मिस्टेक मतलब बिल्कुल सही सातवा मंडल है ना सातवा मंडल इसको याद भी मैंने आपको कराया था है ना थे एक तरीके से लेकिन फिर भी जो है विश्व, लड़ाई जो है वो इनके बीच में होती है किनके बीच में होती है तो बैटल ऑफ टेन किंग जो है वो लड़ी जाती है के बीच में है ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया वही उत्तर पश्चिमी सीमा पर अब इसमें और सुदास के बीच का युद्ध जो है वो आपको देखने को मिलता है और इसका मेन जो गाइड करने वाले वो कौन रहते हैं विश्वामित्र थे पूरी कहानी मैंने ऑलरेडी आपको इसमें बता चुका हूँ अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आहा हा ये अब मुद्दे वाला क्वेश्चन आया है साहब अब मजा आएगा ना अब जब वर्ष वाला क्वेश्चन इतिहास में आ जाए तो क्वेश्चन दिलचस्प हो जाता है क्वेश्चन है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में गद्दी पर कब बैठा मतलब दिल्ली का सिंहासन दिल्ली सल्तनत का तख्त जो है गयासुद्दीन तुगलक को कब मिला 1301 1312 1320 या 1339 चलिए सी 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 अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1320 से लेकर 1414 तक चली थी कहानी है ना 1320 से लेकर 1414 तक कहानी चली थी गयासुद्दीन तुगलक पहला राजा बनता है है ना इनकी नहीं बनती निजामुद्दीन ओलिया से और निजामुद्दीन ओलिया गयासुद्दीन तुगलक से क्या कहते हैं हनुज दिल्ली दूरस्थ हनुज दिल्ली दोस्त दिल्ली अभी दूर है और उसी के बाद जोना खान इन्हीं का बेटा गयासुद्दीन तुगलक का वो क्या करता है अपने बेटे अपने पिताजी के लिए दिल्ली में एक लकड़ी का महल बनवाता है और उस लकड़ी के महल पर बिजली गिर जाने के कारण या कुछ षड्यंत्र के कारण हत्या डेथ हो जाती है किसकी गयासुद्दीन तुगलक की और अगला राजा बनता है एक पागल बादशाह जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक महा पढ़ा लिखा व्यक्ति और महा फिर भी उसे पागल बादशाह कहा गया और फिर आता है कौन फिरोज शाह तुगलक एफ ठीक है तो ये ऑलरेडी अपन कहानी जो है अच्छे से देख चुके हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि भाई दिल्ली की गद्दी 1320 में मिली एक आ, एबल रूलर था अच्छा शासक था है ना अपनी आर्मी को डिसिप्लिन किया और पहले सुल्तानों में से एक था जिसने नहर के लिए अब देखो यहाँ पर एक और चीज है बहुत ध्यान से समझना सुनना मेरी बात है ना क्या लिखा है ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों के निर्माण की योजना बनाई थी अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है अगर आ जाए कि वो कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने निर्माणों की योजना बनाई थी तो गयासुद्दीन तुगलक क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था तब आंसर क्या लगाओगे तब आंसर लगाओगे फिरोज शाह तुगलक एफ एस टी याद रखना ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और दोनों क्वेश्चन के आंसर भी अलग अलग है ठीक है अगर पूछा जाए योजना के बारे में नेहरू की योजना गयासुद्दीन तुगलक सबसे ज्यादा नहर किसने बनाई फिरोज शाह तुगलक क्वेश्चन अलग आंसर अलग चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है जैनियो द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द डैश है कलेक्टिव टर्म बाय फॉर प्रबंधन अंगा निबंध या चार्टिस इनमें से किस चीज को जो है एक सामूहिक शब्द कहा जाता है पवित्र पुस्तकों के लिए जैसे हम कहते हैं ना पुराण वैसे ही चलिए बी 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 क्या है भाई अंगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही है ना अंग आपको किसमें देखने को मिल जाते हैं तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त शब्द ही अंग है जैसे हम उपयोग करते हैं ग्रंथ पुराण वैसे ही इनके द्वारा उपयोग किया जाता है चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ज्योतिष पर पहली पाठ्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है बीपीएससी बताओ भाई पाणिनि पतंजलि कात्यायन या भ्रभु इनमें से कौन वो व्यक्ति होगा वो रोड द फर्स्ट टेक्सट बुक ऑन ज्योतिष

चलिए आंसर क्या है आंसर है भ्रगु भ्रगु के द्वारा ही क्या लिखा गया था तो भ्रगु महोदय ने ही लिखी थी भ्रभु भ्रघु संहिता है ना आप ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछ ले फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी भारतीय ज्योतिष के जनक किसे कहा जाता है भारतीय ज्योतिष के पिता किसे कहा जाता है तो ये भ्रभु को ही कहा जाता है इन्हीं के द्वारा प्रभु संहिता लिखी गई थी और उसी से आप जो कुंडली उंडली देख रहे हो ना वो सब इनकी वजह से ही आपको देखने को मिलता है पाणिनी ने फिर ग्रामर लिखी थी आपको अच्छे से पता है पतंजलि इन्हीं के चक्कर में हमें योग की प्राप्ति हुई है रामदेव बाबा की जो कंपनी है वो यही योग गुरु पतंजलि के नाम पर बनाई गई है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है भारत के बाहर बौद्ध धर्म को सबसे पहले डैश में स्वीकार किया गया आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन डैश चाइना जापान श्रीलंका या तिब्बत बताओ 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 चलिए ईमानदारी की बात ईमानदारी के साथ डी क्या है डी तिब्बत तिब्बत में कैसे होगा अभी तो बताया था कितनी देर से एक ही एक घंटे से एक ही कहानी कह रहा हूँ श्रीलंका में है ना कौन था इसी का भाई था अशोक का भाई था जिसका नाम था टिस्स और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा फॉलोवर था और अशोक की वाइफ जो थी महादेवी उन्हीं के दो पुत्र थे दो बच्चे थे एक था महेंद्र एक थी संगमित्रा दोनों को ही कहाँ भेजा गया श्रीलंका चाचा जान के पास गर्मी की छुट्टी में किस चीज के लिए धर्म का प्रचार करने के लिए बात तो करी थी चाइना में तो बहुत बाद में पहुंचा और पहले तिब्बत जैसा कुछ हुआ ही नहीं करता था ठीक है जापान तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खरीदा गया गुलाम मलिक काफूर किस अभियान के दौरान खरीदा गया था ड्यूरिंग विच एक्सपीडिशन मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर गुजरात चित्तौड़ या देवगिरी लड्डू क्वेश्चन बताओ बी 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 क्या है भाई गुजरात बिल्कुल सही अलाउद्दीन खिलजी ने कहा से खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था गुजरात विजय के बाद में और इसे खरीदा गया था एक हजार दिनार में और इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया था हजार दिनारी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे हजार दिनारी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम मलिक काफुर को चलिए लड्डू क्वेश्चन था सभी से ऑलमोस्ट बन गया है तो इसीलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ अगला क्वेश्चन है बौद्ध विहित साहित्य का सबसे बड़ा बौद्ध टीकाकार कौन रहा है इसको क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना बहुत ज्यादा बार पूछा गया है द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कॉमेंटेटर ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर है नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र और बुद्ध घोष चारों बड़े नाम अपने आप अप में चारों बड़े नाम बेहतरीन नाम है बताओ बी सी बी कौन है भाई अशोकभूषण और सी है वसुमित्र